दिया। इमरान का जो सेंसर है वो और एहसन भाई का, उनको पता है कि कब हमने कहाँ क्या करना, क्योंकि आपने आइडियाज हमें काफी दे दिए लेकिन आप लोगों ने कुछ दिखाया नहीं। दिखाया नहीं। अभी हमारी इमेजिनेशन जो है कि वो चाय पी के गई है या वो उससे ज्यादा कुछ करके गई है। ताई अच्छे डायरेक्टर्स ये मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तो एक सीरियल कुछ चल रहा था, बहुत बकवास लेकिन किसी और मुल्क का सीरियल था, तो उसमें इंडिया का एक प्ले चल रहा था, उसमें डायरेक्टर का मुझे काम क्या डिफरेंट लगा कि वो एक लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है कि कल हमारे घर एक बहुत बड़ी पार्टी है, 50 डिशेस हैं उसमें, श्रिम्स हैं उसमें, बिरयानी है, ये अब वो डिशेस के नाम बता रही है और कह रही है वो सबसे बड़ा जो सिंगर है ना वो भी वहाँ आ रहा है और दुनिया के सारे अमीर लोग होंगे, तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है मैंने। कट किया, वही बंदा एक बाथरूम में खड़ा है दूसरे किरदार के साथ, हाथ धो रहा है दांत में ऐसे ऐसे कर रहा है, कह रहा है, और पीछे गाने की उस आदमी की आवाज़ आ रही है जिसका जिक्र किया था, गुप्ता साहब ने पार्टी बहुत अच्छी दी थी, यानी आप जी भी लिए उस पार्टी में और वो लगा ही नहीं कि पार्टी नहीं, मतलब जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं ये वाला जो काम था इसमें लिखा हुआ ये था कि ताई आती हैं क्लिनिक में, वो फोन नहीं उठा रहा तो वो जीप निकाल के गाड़ी निकाल के आती हैं और मरीज होता है और उसको कहते हैं बाहर जाओ, वो गाँव की बड़ी तो उसको निकाल के वो कुंडी लगाती हैं और आके टेबल पे चीजें साइड पे फेंक के बैठ जाती हैं और पांव जो हैं वो डॉक्टर जहाँ बैठा है उसकी कुर्सी पे, तो उसको कहती है फोन नहीं उठा रहे आप, ऐसा डायलॉग ही नहीं बोला वो स्टेथोस्कोप डॉक्टर के कान में लगाती है और वो अपने यहाँ पे लगाती है और वो सुन रहा है और वो देख नहीं रहा, डॉक्टर नीचे देख रहा, मेरी ये हालत है मुझे नींद नहीं आती फला फला नहीं, तो वो नीचे लिख रहा होता है कब से ये हालत है, तो कह रहा है ये दवा खाइए ठीक हो जाएंगी, तो वो जब क्लोजअप दिखाते हैं तो वहां दिल और उसमें एक तीर लगा होता है, तो वो बाद में देखिए वैसे मजा बड़ा था, मैं सोच रही हूँ आप लोगों की रेटिंग्स पता है ऐसे जाती I have to say, बड़ा दिल है भाई इमरान अशरफ का भी, ऐसी दालिश का भी कि उन्होंने काट दिया, उन्होंने कहा कि यार ये बन के कट जाए ये बड़ा बुरा होता है ना, अपाहज बच्चा जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, तो वो एक चीज उसकी ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको डिसेंट वे में करते हैं, सिंबॉलिक ड्रामा अदब में तो ये होता है कि आप खुश्क पत्तों के ऊपर से एक बंदे को चलता है दिखा रहे हैं तो उसके अंदर का माहौल है, अगर किसी विलन को दिखाना है तो कुत्ते को भौंकना दिखा देंगे तो कहेंगे बड़ा ऐसा हो सिंबॉलिक, तो ऐसा था कि वो आके जा चुकी और उसके डायलॉग से बताया तो अच्छा था। मुझे ये बताएं कि आके जाके हमें बैक स्टोरी पता चलेगी ताई की डॉक्टर की या नहीं? नहीं, नहीं तो आप बताते फिर है क्या ताई की और, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने भी सोचा होगा ना, आप लोगों को बताया कहां मिले थे डॉक्टर और ताई ताई जी और ये कैसे आ गया, मतलब व्हाई इज ही हेल्पिंग हर, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, वो उसके शौहर को मारने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं तो क्यों क्यों कर रहे हैं और ताई की क्या बात उनको वो कर गई, गांव में नहीं वो कहीं डायलॉग्स में है बीच में आगे आपको नजर आएगा, लेकिन गांव में ये बंदा है और ताई का वो दिखाया जो हस्बैंड मारता पीटता है, तो एक किरदार है कि जब आपके घर में ज़रूरी नहीं है कि मर्द अगर बीवियों को मारे जा रहे हैं ये तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जुल्म है, मतलब हम तो एनिमल्स के अगेंस्ट होते हैं कि जानवरों को मत मारो यार, तो आप इंसान के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो वो रिवेंज है उसकी बीवी का कि तुमने ये किया है तो मैं, लेकिन वो सीरियस हो गई डॉक्टर के साथ, वो डायलॉग्स में आगे है कि इश्क जो ताई है के इश्क करती हूँ प्यार करती हूँ, क्योंकि उसकी आगे टूटना दिखाया जब ये गुड्डी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसकी, और वो आपने देख भी लिया होगा कि हस्बैंड हैं दोनों के वो ऐसा कर रही है, और इसमें बस ये है कि गांव में था और जो इलाज के लिए आता था और जो मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने पहले पहल की थी या ताई ने पहले पहल की थी? नहीं, इसमें वो पहला जो सीन था वो ही वाला के जो मिलते हैं तो ताई वाला ही था, वहां से तो हम ही अज्यूम करें कि पहले से चल रहा पहले से हाँ मतलब चल रहा था, लेकिन जाहिर हम ऐसे अज्यूम करें कि अगर हुआ था तो ताई ने पहले लिया था या डॉक्टर साहब ने पहले इनिशिएटिव लिया, ये मैं इमरान से पूछ रही कि कहां से, मुझे तो इश्क करता हुआ दिखाया, वो सिमरन जा रही थी तो गाड़ी पर राज को खींच लिया, मैं वो था। ओके ये बताएं कि ताया को मार क्यों नहीं रहा डॉक्टर साहब, क्यों जिंदा रखा हुआ है, किस मकसद के लिए, ताकि ताई हाथ में उसको डर है कि ताई कुसाई जायदाद मिल जाएगी वो निकल जाएगा, ये क्या प्लानिंग क्या है? देखिए वो क्योंकि ताई के साथ जो प्लानिंग थी कि अगर डॉक्टर ये इविल टाइप का बंदा है इसको ये पता है कि मैं कौन सी डोज दे रहा हूँ, वो एक नर्स का सीन देखा होगा कि ये तो ऐसी जहर है जिसमें पता भी नहीं चलता कि इंसान मर गया, वो थोड़ा थोड़ा करके उसको वीक कर रहा है और एक टाइम आएगा कि वो मर जाएगा, स्टार्ट तो ये था, वो एक झटके में नहीं कि कल को पोस्टमार्टम, अमीर लोग हैं कुछ भी हो सकता है, अच्छा तो ये सेंस से काम ले रहा है, उसको कोई वो नहीं है कि वो जाए,
उसको तो वैसे भी प्लेट में रखी हुई ताई मिल रही है, फर्ज करें डॉक्टर राणा को, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड जिंदा है या नहीं है, लेकिन वो ताई की शर्त है कि इसको तुमने मार देना क्योंकि इसने मुझे मार दिया कुछ। तो अब डॉक्टर साहब कैसे हैंडल करेंगे जब गुड्डी उनका दिल तोड़ेगी? हाँ, ये एक कमाल है जो हमें आगे पता चलेगा। वो उसमें एक था ना ऐसे ऐसे करके वो कर बस वो ऐसे ही दिल पे हाथ मारता रहेगा, लेकिन अच्छा है क्योंकि जो उसका लास्ट पोर्शन है, जो लास्ट एपिसोड्स हैं सब, अब आगे की तरफ जब जाएगा, जो 24 एपिसोड हैं टोटल इसके, तो उसमें आप वाकई में सिर्फ वाह कह उठेंगी कि यार ये इसका एंड और इसके बीच में जो जो लव पोर्शंस आ रहे हैं वो इतने अच्छे। चैलेंजिंग क्या था सबसे ज्यादा इस पूरे कैरेक्टर को करने के लिए? गर्मी को बर्दाश्त करना। अच्छा। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में, मुझे गर्मी बहुत लगती है एक्चुअली। तो गर्मी में एक तो आप फैन नहीं ऑन कर सकते, लोकेशन ऐसी है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको तो पता है एक्ट्रेस ड्राई कर रहे होते हैं, ड्रायर गर्म वाले ड्रायर से पसीने खुश कर रहे होते हैं, सिर्फ यही था। बाकी डायलॉग्स आसान थे याद करना, बिकॉज बड़े बड़े खूबसूरत डायलॉग्स हैं, लेकिन मैं आई हैव टू गिव क्रेडिट टू एवरीवन क्योंकि वो डायलॉग्स आसान नहीं है, क्योंकि आप रवानी में कोई भी जुमला बोले लेकिन ये स्पेसिफिक डायलॉग्स आपने माने बताने हैं उसके। हाँ। और इमरान की आदत ये थी कि बहुत जगहों पे सेट पे नहीं होता था, लेकिन एहसन भाई और इमरान जब रिहर्सल वगैरह कभी करते तो बताते ना 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 इस पे जोर नहीं दे, इस वजन पे जोर दे मुख्तलिफ अदाकारों को। लेकिन क्योंकि मैं 13 किताबें लिख चुका हूँ जिंदगी में, तो मुझे पता है कि अल्फाज को कहाँ किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, इसलिए मुझे याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं। आधी धूप अगर मेरा आप एक ड्रामा देखेंगे, पीर था, मैं 9 पेज के वन गो में डायलॉग्स हैं कि पीर आवाज कर रहा है, आवाम बैठी है, और उसमें वो जो अल्फाज होते थे इतने मुश्किल, इतने शकील के हजम करना मुश्किल था। लेकिन मुझे शायद मैं बचपन से ऐसा हूं कि एक दफा बुक रीड करता हूं, फिर आप आंखें बंद करें और मुझे पूछें कॉमा किधर है, डॉट किधर है, 500 पेज पी के दिखाना, तो वो शायद मेरा कमाल नहीं है। शुड वी टेस्ट यू? मैं बुक ढूंढ रही हूं, इंग्लिश उर्दू कोई भी चलेगी। हां, कोई भी बुक चलेगी। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। वी विल फोकस ऑन डॉक्टर राणा टुडे। हम किसी और वक्त दोबारा बुला के ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे बताएं, क्या डॉक्टर राणा का कैरेक्टर हमें ये बता रहा है कि मर्द अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, लेकिन एक्चुअली बड़ी इजीली कंट्रोल और मैनूवर हो जाते हैं अगर स्मार्ट वुमन से, एक स्मार्ट औरत से पाला पड़ जाए उनका? सबसे बड़ी बात, दाद देनी पड़ेगी आपको इस सवाल के लिए। अच्छा। क्योंकि ये सवाल वो है जो नॉर्मल लोग पूछते नहीं है, वो मर्दों को करने देते हैं सब कुछ के, आजी मर्द है ना, अक्सर माएं भी कहती हैं साडा पुत्र है जो कर रहा है करे, बेटियों को कंट्रोल कर देते हैं। तो इसमें दिखाया ये है कि मर्द जितना भी शातिर हो जाए, आप एक औरत से जीत नहीं सकते हो। दुनिया की 50,000 किताबें पढ़ लें आप जिंदगी के ऊपर कि जिंदगी ये जिंदगी वो, लेकिन जो औरत आपको ऐसे करके देख रही है और जमीन पे गई नजर, आपको पता ही नहीं कि वो क्या लेकर चली गई, आपको अपने कदमों में रोंद भी सकती है। इश्क और मुश्क इसीलिए नाम रखा कि सब लोग आपने देखा मोहब्बत ही कर रहे हैं इसमें। हर एक अपना आदम है तो उसकी मोहब्बत का एक अलग कैटेगरी है, वो आदम बताएंगे क्योंकि वो एक कंट्रोल वाला, ये वाला जो है बेबाक मोहब्बत है कि इसको बस चाहिए ही चाहिए। तो 5 मोहब्बतें इसने लाइफ में की हैं उसमें डायलॉग्स में जहां ये बता रहा है आगे। तो ये है कि बहुत शातिर लोग भी कभी कभी बाहर खा जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब एक वक्त में दो औरतों से मोहब्बत कर रहे हैं, या वो क्लियर हैं कि नहीं ताई का एग्जिट हो चुका है, गुड्डी की एंट्री हो गई? या अभी ट्रांजिशन पीरियड? अभी तो नहीं, वो तो कंफर्म हो गया जब ये गुड्डी आई है, क्योंकि वो ऑपरेशन छोड़ के वो बेचारा चीखता रह गया और चलो जी आ जाए। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होती, आपने देखा ताई के साथ जब वो फोन आ रहा है और वो फोन उठा नहीं रहा, तो कंपाउंडर ये कह रहा है सर क्यों नहीं उठा रहे, तो कह रहा है ये फोन नहीं बज रहा, कीमत बढ़ रही है। तो उसको पता है कि कीमत बढ़ानी, इधर कीमत नहीं बढ़ा रहा, इधर तो वो रुल रहा है मिट्टी में। तो दोनों में फर्क दिखाया कि जो उसको चाह रही है उसका, और ये तो धोखा ही दे रही है, गुड्डी तो झूठ बोल रही, क्योंकि वो तो आदम से इश्क कर रही है ऑलरेडी। तो ये है फर्क इसमें। हाउ वाज वर्किंग विद, कैसा था उर्वा के साथ काम करना? हाँ, क्या चीज आपको बड़ी इंस्पायर की, आपको बड़ी, आप हमें बता सकते? उर्वा खुद, उर्वा खुद एक बहुत अच्छी इंसान, उसको पता है, बड़ा क्विक, आजकल थोड़ा फास्ट हो गया है, पहले ही होता था, थोड़ा फोकस करते थे, रिहर्सल करते थे, अब सब लड़के लड़कियों को पता है हमने क्या करना है, तो वो फाइन इसीलिए है कि उसको जो रोल देते हैं, शुरू में बीच में था भी कि शायद ये कह रही हैं कि ये रोल वैसा नहीं है, लेकिन एहसन भाई ने जब उन्हें बताया था
तो ये अच्छा है, तो मुझे तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा. एंड ज़ारा के साथ तो मेरा बहुत काम जितना बड़ा, ज़ारा तरीन के साथ. तो ज़ारा ऑलरेडी मेरे गांव से हैं, अमेरिका से हैं वो. अच्छा। भी तो हम लोग आपस में बैठ गए कि यार लगती गप्पे लगती हूँ. हाँ तो वो हम बात करते थे जब. हाँ। मैंने पहले ही बताया, मैंने कहा ये ताई जो है ये बहुत कमाल है. लेकिन डॉक्टर राणा का दोनों के साथ काम बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ज़बरदस्त था. और इमरान अशरफ, इमरान अशरफ को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लिखना बंद मत करना. क्योंकि बहुत सारे लोग वो होते हैं ना कि अरे कौन से दौर की बात है. अक्सर जब अदब जो है ना जी किताब, उसमें आप कुछ भी लिख दें, चाहे गालिब लिख दें, चाहे वो फराज, एक अहमद फराज है, एक वो फराज हैं कि फराज मेरे छत की जो सुराख है वो देख रहे हैं, हाय हाय तेनू की हो गया, एक वो फराज है. तो अदब में कुछ भी है जो आपको अच्छा लग रहा है,